हाय गाइस, आप अपना इंडिया का ट्रेवल गुरु अमिताभ बघेल, और अब हम सबको सुनाते हैं एक कहानी। हाँ, कहानी से याद आया, जीवन पर्यंत की कहानी। हुआ यूं कि एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। वो ब्ला 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 टहलते घूमते ऐसे ऐसे वैसे पहुंच गया एक नदी के किनारे। वहाँ पे कई सारी दुकानें लगी थी तो उसमें लोग चर्चा कर रहे थे कि अब नया राजा चुना जाएगा। तो उसने पूछा, भाई लोग कैसा नया राजा चुना जाएगा, क्या करना होगा, क्या है। तो उसने कहा, भाई राजा कोई भी बन सकता है, देख भाई तू भी बन सकता है। कैसे? तो उसने कहा, भाई कुछ नहीं करना है, एक हाथी आएगा उधर से, ये हाथी आया और उसके सूर में एक वो माला होगी, और जिसको माला पहना दे वो राजा, अगले 5 साल भी वो राजा। तो उसने कहा, भाई तो बहुत अच्छी बात है। उसके मन में लड्डू फूटा, चलो भाई अब मैं राजा बन सकता हूँ। सपने में उसने सोचा, मन ही मन सोचा कि मैं भी राजा बन सकता हूँ, चलो मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता। वो भी लाइन में लग गया भाई। तभी भाई थोड़ी देर बाद हाथी आया। तो किस्मत देखिए, चमक दी उसकी, वो हाथी ने उसको पहना दी माला। अब वो आदमी बड़ा खुश, अरे वाह राजा बन गया मैं तो 5 साल के लिए, अब चलो राजपाट मिलेगा। गरीब आदमी बड़ा खुश। तब पुरोहित जी ने बुलाया, राजपुरोहित जी ने बुलाया, भाई आओ दरबार में। दरबार में पहुंचे भाई साहब, तो पूछा गया, सब ठीक है, बातें शर्तें भी हैं कुछ, वो सुन लो, तुम राजा बनोगे 5 साल राज करोगे वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। भाई शर्तें भी हैं? अच्छा बताओ भाई क्या शर्तें हैं बताओ। उन्हें करना कुछ नहीं, तुम राजपाट संभालो, जैसे करना राज चलाओ, अच्छे खराब तरीके जैसे चलाना चलाओ, 5 साल चलाओ, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद तुमको ये राज छोड़ना पड़ेगा और तुमको एक नदी के किनारे जाना पड़ेगा। नदी के किनारे उधर दूसरा जंगल के बाहर एक गांव है, वहां पे बसना होगा। वहां गांव वाले अच्छे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन नदी में खतरा जो है, एक नहीं कई खतरे हैं। कैसे खतरे? वहाँ घड़ियाल है, मगरमच्छ है, सांप है, बिच्छू है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सी चीजें। अब उनसे निपट पाओ तो निपट लो, बाजरी दिखा पाओ दिखा दो, फिर चले जाओ तैर के, या जैसे भी उड़ के जा पाओ तो चले जाओ दूसरे गाँव, अपना रहो। तो उसने कहा, ठीक है शर्त मंजूर है, गरीब आदमी कहा, मर मर आ गए तो कोई बात नहीं, 5 साल तो राज कर लेंगे, 5 साल जीवन सुधार लेंगे। उसने राज किया 5 साल, बहुत अच्छे से राज किया, लोगों को खूब दान वान दिया और लोगों से काम करवाया, ये बनवाया वो बनवाया, ब्ला 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 ब्ला, उसने तो सबकी किस्मत बदल दी। अब भाई 5 साल हो गए, अब लोग दुखी हो गए, अरे राजा तो महाराज अब आज जाएंगे, अब देखो बचते भी हैं कि नहीं, मगरमच्छ खाएगा कि सांप डसेगा या बिच्छू काटेगा, क्या होगा नदी में इनका। चलो भाई जनता लग गई पीछे पीछे। अब जनता भाई पहुंची वहां नदी किनारे, अब नदी के किनारे जब पहुंची तो उनने विदाई के लिए नमस्ते किया, जब से दोनों हाथ जोड़ के भाई नमस्ते नमस्ते किया, तो मुड़े जैसे तो जनता खुश, अरे ये तो पुल बना हुआ है वहाँ पर, खूब बड़ा सा नदी के पूरे आर पार पुल बना हुआ है, फंस गया वो, चल के उसने चले गया गाँव आगे। तो जनता चलो खुशी, चलो इनका कल्याण हो गया, अब ये भाव सागर पार कर गए, ये वहाँ पर रहेंगे अपना जीवित रहेंगे खुश रहेंगे। तो उनने किया क्या, उस गरीब आदमी ने जो कि राजा बना था, 5 सालों में और काम तो करता रहा, उसने अपना भी जुगाड़ कर लिया। क्या किया, धीरे 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 पुल बनवाता गया, और लोगों को पता नहीं है क्योंकि जंगल के बाद था नदी और फिर गांव था, तो जंगल में कोई जाता ही नहीं था कि सांप बिच्छू भेड़िया सब उसमें भी रहते थे, तो भाई कोई गया नहीं। उसने अपने कुछ भी साथ विश्वासघात लोग बना लिए थे, उससे वो काम करवाता था राजा, ठीक है। तो ऐसे 5 साल में उसने खड़ा कर लिया पुल, अब भाई उसके काम आया। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, ये तो एक खैर कहानी थी, बट ये एक जीवन की सीख है। सीख ये है कि अगर भव सागर पार करना है तो जीवन में हम लोगों को सबको काम करने होंगे, जैसे कि जीवन में अच्छे बुरे काम होते हैं वो आप जैसा करोगे, तो वही ये जो पुल बना है ना, वो पुल आपको क्रिएट करना है, क्रिएट कर लिया तो भव सागर पार, नहीं किया तो नरक में, ठीक है, समझ रहे हैं मतलब, यस।
तो कहानी का सार ये है, ये जीवन आपकी और हमारी कहानी है, उसमें भक्त अगर बात करना है तो कर्म अच्छे करिए तो होगा। तो कहते हैं ना, रवि किशन जी कहते हैं, भैया जिंदगी धन्यवा फिर भी ना गया घमंडवा। देखो भाई, जिंदगी धन्यवा फिर भी ना गया घमंडवा। तो दोस्तों, आपका अपना इंडिया का टवर भूख लगे रहिए, बने रहिए। लाइक डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इस कहानी को और भी लोगों को शेयर करिए। और आपका फ्रेंड मेरे टेबल आपसे विदाई लेता है। तो ये ऐसा है कि कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। सीख ये है कि भाई भव सागर पार करना है तो ब्ला 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 आप लोगों को भी काम करना होगा, जीवन के लिए निर्माण करना होगा। निर्माण करिए और पार करिए भव सागर। So guys, do like, do subscribe and do comment। और आप लोगों का अभी एक गुड न्यूज़ देने की, 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, और पार्टी होगी 26।